जगदलपुर में स्थित नगरनार प्लांट पर नक्सलियों संबंधित जानकारी को पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने गलत बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया में नगरनार प्लांट पर नक्सलियों की नजर है वाली खबर पूरी तरह सत्य है। इसके साथ ही ठेकेदार से 50 लाख की मांग की भी जांच की गई, जिसमें वह भी खबर पूरी तरह झूठी निकली। उन्होंने कहा नगरनार स्टील प्लांट सेफ जोन में है। जगदलपुर में स्थित नगरनार प्लांट पर नक्सलियों की नजर है, इस प्रकार की खबरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस मामले की जांच करने पहुंचे पुलिस कर्मी एवं पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने जांच में पाया कि यह पूरा मामला असत्य है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं, वे पूरी तरह असत्य और निराधार हैं। नगरनार थाना बिल्कुल नगरनार स्टील प्लांट से लगा हुआ है और उड़ीसा के साथ इन इलाकों में लगातार सर्चिंग होती रहती है। कहा जा रहा था कि नक्सलियों ने ठेकेदार से 50 लाख की मांग की है, इसकी जांच हमने की है। जांच के दौरान पाया कि वह भी खबर पूरी तरह झूठी है। शिकायत में जिन कर्मचारियों का जिक्र किया था, उन कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। कर्मचारियों ने बताया है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, नक्सली के नाम से कोई धमकी नहीं मिली है और कोई पैसे की मांग नहीं की गई है। कुछ फोटो सोशल मीडिया में चल रहे हैं जिन्हें नक्सली बताया गया है, उन लोगों की पहचान भी कर ली गई है। वह फोटो नगरनार में ठेकेदार के पास काम करने वाले लोगों की है। वहां कर्मचारी अपना काम का पैसा लेने अपनी साइट पर गए हुए थे। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ खबर चलाई जा रही है कि नक्सलियों की नज़र नगरनार प्लांट पे है। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये खबर पूरी तरह असत्य है, पूरी तरह निराधार है। हमारा पुलिस स्टेशन नगरनार बिल्कुल वहीं पर लगा हुआ है और उड़ीसा के साथ हम लगातार सर्चिंग करते रहते हैं, रेडोमेशन करते रहते हैं। और जहाँ तक कल के उस न्यूज़ के बारे में है जिसमें बताया गया था किसी एक वहाँ के जो एक डामरीकरण में लगा हुआ एक ठेकेदार है, उसको नक्सलियों कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नक्सली के रूप में आकर के उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है, वो सत्य भी वो उसकी भी हम लोगों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते तत्काल जाँच के आदेश दिए। और जाँच में प्रथम दृष्टिया ये पाया गया है कि वो भी पूर्णतया झूठी खबर है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।